तो डीजे ने पहले कुछ गलत गाना बजा दिया था, तो मैंने बोला तब तक प्ले हुआ नहीं, आई वाज वेटिंग। हमारा डिसाइडेड था दैट वी हैव अ बजट डेस्टिनेशन वेडिंग किया, वो भी तुम्हारी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल फेज है ऑफ यू नो वेडिंग। आई लाइक द आउटफिट, देन आई चेक द प्राइस, इट वाज फॉर ओनली 20 लाख। नॉट टू फॉरगेट, रणवीर ने एक सरप्राइज डांस किया था मेरे लिए। हमारे घर में किसी की शादी होती है तो आइडिया होता है कहाँ से परचेस करना है, क्या होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई थिंक एंगेजमेंट के टाइम आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज लाफिंग extra, right? Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. And finally, it's the third episode of our love story. Wow. And we are very sorry कि बहुत 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 late हो गया। Late मतलब almost 6 महीने हो गए हमने third part shoot करने के लिए। शादी के सारे चीजें याद भी आने चाहिए। The house is different, yes. The setup is different. So many things change in between. बहुत चीजें change हुई है और इसीलिए हमें थोड़ा time लगा था। So apologies. Yes. And without wasting any further time, let's begin with our love story part 3. तो अभी आपने देखा ही होगा कि part 2 का एंडिंग कैसे हुआ था। जिसने नहीं देखा है लव स्टोरी पार्ट 2 पार्ट 1, पहले वो देखो फिर ये वीडियो देखना। हाँ, तो वो लिंक हो जाएगा। yes. तो लास्ट में आपने देखा होगा कि सारे डिस्कशंस हो गए हैं, हम दोनों के घर वाले हाँ बोल चुके हैं, अभी शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, सब कुछ करना है, ये फाइनल हो गया है। अभी कैसे किया वो स्टार्ट कर, 2-3 पॉइंटर्स हम लोग बात करने वाले। दैट इज फर्स्ट इज शॉपिंग, सेकेंड इज शादी के लिए जो चीजें लगती है, दैट इज डेकोर, फोटोग्राफर, वो सारी चीजें, मेकअप आर्टिस्ट, वो सारी चीजें। थर्ड इज वेन्यूज, कि हमने कहाँ कहाँ घूमा है वेन्यूज के लिए, वो सारा। एंड फोर्थ इज कि ओवरऑल प्लानिंग कैसे किया घर वालों के साथ। तो ये 4 पॉइंट्स कवर करने वाले। Let me tell you, that is the worst part. क्योंकि 10 दिमाग चलते हैं। हेडेक हो जाता है। So yeah, let's start with the clothes. Clothes का हमने जैसे start किया था wedding के लिए, हम दोनों को पता था कि हमें उतना खर्चा नहीं करना है कपड़ों पे, because wedding outfits is something जो हम एक बार पहनेंगे और उसके बाद पता नहीं, वो सिर्फ as a memory बन जाएगी। तो उतने पैसे, yeah, exactly. तो वो designer outfits जो people purchase 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, and there's no stop, वो उनकी choice है। बट हमारा decided था that we have a budget. Firstly, let us clarify this, कि जो भी हमने वेडिंग के लिए जो भी सब कुछ किया था, none of that was from our parents' money. So that was the biggest thing हमारे लिए, कि हमने बजट रखा था एंड ना मुझे पेरेंट्स को परेशान करना था। एंड रोहन वाज आल्सो लाइक दैट, बोथ ऑफ अस वर वेरी इंडिपेंडेंट, कि यू नो व्हाटएवर प्लानिंग एवरीथिंग दैट वी विल डू, वी आर गोइंग टू डू इट ऑन आवर ओन। सो वी हैड अ बजट, बजट में हमने फिर आउटफिट्स भी फाइनलाइज किया, डेकोर भी किया, वेडिंग भी किया, डेस्टिनेशन वेडिंग किया वो भी, एंड हनीमून भी किया। तो आपको पता है कि कितना निचोड़ा होगा हम दोनों ने सब चीजों के लिए। और सबसे पहले हनीमून का पहले बजट निकला था। यस, क्योंकि घूमना फिरना, यू नो, making memories is one thing. Engagement के time पे, क्योंकि हमने engagement किया था May month में, तो वो और शादी हुई थी हमारी December में, तो May month में फिर भी हमने उतना budget bracket रखा था कि चलो इतना है तो इतना हम कर भी लेंगे। So that's why हमारा जो engagement हुआ था वो हुआ था Courtyard Marriott में, पुणे हिंजेवाड़ी में। People from Pune will know, वहाँ पे फिर हमने venue वगैरह, we had very limited people, so of course that worked out for us. That venue is only for 150 people. Yes, so that's how intimate it was. तो फिर starting with the outfits, क्योंकि खर्चा नहीं करना था तो of course बहुत shops ढूंढने पड़े पहले तो। So outfits जब हमने start किया, let me tell you, almost all my life I have only worn western clothes. And I was, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे घर में किसी की शादी होती है तो आइडिया होता है कहाँ से परचेस करना है, क्या होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और इसके घर में सबसे बड़ा ये है, एंड द ओनली चाइल्ड। सो वी हैड no idea. तो हमने स्टार्ट किया पुणे से पहले, and prices देख के हम शॉक हो गए थे, like इतने महंगे outfits रहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मुंबई, कितने सिटीज देखे, पुणे में 3-4 cities हमने ऐसे ही, हमने तो प्लान किया हम दिल्ली भी जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि यू नो चांदनी चौक एंड ऑल दोस प्लेसेस यू गेट वेरी चीप। अमरावती आल्सो वी वेंट, या अमरावती भी देखी, वी वेंट, वी वर प्लानिंग टू गो टू सूरत आल्सो, बट देन दिमाग में आया उतना ट्रैवल में भी उतना खर्चा होने ही वाला है, तो बॉम्बे अपना बेस्ट है, फिर बॉम्बे जा गए। करेक्ट, फिर पुणे में
एवरीथिंग वॉज टू एक्सपेंसिव. देन वी थॉट बॉम्बे चलते हैं क्योंकि बॉम्बे में ऑफकोर्स वेडिंग का पूरा मिल जाता है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम अभी मुंबई में जो काम चलते थे उसके बीच में हम लोग शॉपिंग के ये सारी चीजें देखते थे क्योंकि ऐसे अलग से टाइम तो था नहीं, क्योंकि अलग से जा रहे हैं ऐसे शॉपिंग करने के लिए, वैसे तो था नहीं, काम के साथ साथ ही ये सब कुछ चीजें कर रहे थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज वेरी टफ क्योंकि मई जून आपको पता ही है बारिश का मौसम रहता है. No, all those things is also tough. Yeah, तो हम मीटिंग करते थे, अर्ली मॉर्निंग निकलते थे पुणे से, आई थिंक अराउंड 6 o'clock समथिंग, एंड फिर मीटिंग रैप अप करके फिर 3-4 बजे हम फिर शॉपिंग के लिए निकलते थे. तो बहुत एग्जॉस्टिंग थे वो डेज. एंड ऑल्सो क्योंकि हमारे दोनों आउटफिट कस्टमाइज्ड ही थे, इसका भी गाउन जो था वो कस्टमाइज करना ही था. तो ऐसा नहीं कि एक बार गए देख लिया ले लिया, ऐसा नहीं. इट हैड 2-3 डिफरेंट विजिट्स, एक फिटिंग का विजिट, एक रेडी होने के बाद लेके आओ फाइनल परचेस. तो वो 3 विजिट्स तो सिर्फ आउटफिट खरीदने के बाद वाले थे. बट आई फील बहुत लाइक वेरी, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे वो टाइम पे, ब्लॉगिंग और ये करते तो और मजा. सो लाइक इफ एनीबॉडी इज गोइंग थ्रू दिस फेज ना, या तुम्हारी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल फेज है ऑफ यू नो वेडिंग प्लानिंग, वेडिंग शॉपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक दिस time isn't going to come back, so live it to the fullest. जितना document कर सकते हो खुद के लिए, खुद के यादों के लिए सब कर लो, because बाद में सब memories रहने वाले हैं तुम्हारे साथ. So yeah. So first we started with designer stores ताकि हमें समझे कि कितने तक outfits जाते हैं और कितने कम में मिल भी सकते हैं. इसका ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मनीष मल्होत्रा जैसा लहंगा चाहिए, all that. Finally हम लोग Santa Cruz पहुंचे. Santa Cruz you know is the wedding place where you know you can do all the wedding shopping and everything. तो वहाँ पे फिर I think we went to Kalki. मतलब 15 दुकान देखने के बाद we went to Kalki. 15 दुकान 4 cities देखने के बाद we went to Kalki. And जब हमने Kalki में enter किया Santa Cruz store, so हम जब नीचे वाले store में गए, that time they were like you know this, so these are all our budget outfits and everything, and ऊपर they have the exclusive store. So now when he said exclusive, I thought कि okay fine. उधर हमने बोला कि नहीं, ऊपर नहीं नीचे ही दिखा. नीचे ही जो है वो देखते हैं. तो मैंने देखा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया. So then they were like just check ऊपर जाके एक बार कि you know maybe you might like the outfits वगैरह. तो मैंने बोला लेना तो कुछ है नहीं, बट अभी इतने स्टोर देख लिए तो चलो आज एक और देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. तो हम लोग गए ऊपर एंड देन ही शोड मी द आउटफिट्स एंड एवरीथिंग वाज डैम एक्सपेंसिव. But I liked one outfit. मैंने उसका price देखा ही नहीं था. I liked the outfit and he just you know removed the outfit and it was so unique. Let me tell you. मैंने वो outfit देखा, रोहन ने भी जैसे ही मैं निकाला hanger से, we were like wow. And I was like, ये मेरे बजट में तो है नहीं of course. हाँ, क्योंकि उसने बहुत hype किया था कि exclusive section ऊपर है, हम लोग डर डर के ऊपर है. No, all these things, तो ऐसा लगा कि अभी कुछ भी लिया तो अभी महंगा ही रहेगा, एक्सपेंसिव ही होगा. सो वो आउटफिट जब मैंने देखा, एंड आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो 1.5 लाख वगैरह वैसा कुछ होगा, बट देन आई वाज लाइक देन आई चेक द प्राइस, इट वाज फॉर ओनली 37-38 या वो जीएसटी वगैरह मिला के 40,000. हां ऐसा कुछ था वो. And then I was like, okay, for the price that it was very beautiful. Yeah. And plus it had a cape. It wasn't a lehenga or something jo main baad mein reuse nahi kar sakti hu. So if I remove the cape, I can wear it as a dress also, which yeah. is very beautiful of photo course. Attach kar denge, yes, so you can see the photo. So I was like, boss, this is it. This is so unique. And maine jab wo outfit engagement ke din bhi pehna tha, everybody loved yes. it so much. Super. It was so unique and itne budget mein mila tha, to main to matlab aasman mein. No. And then Kalki ke hi samne there is a store called Telarica. So Telarica mein iska to was like you know customized tha, so like made to order, so we selected the fabric and it proper was a 3-piece suit tha. Wasn't anything kyunki iska bhi western gown tha, mera bhi isliye 3-piece suit banaya, and of course navy blue color ka hi tha, aaj bhi wahi pehna hai. And मेरा शैंपेन कलर का था, which was sort of almost similar. Wow. Okay. और मैं आपको बता दूँ, लव मैरिज में प्लानिंग और वेडिंग और एन एंगेजमेंट इज नॉट इजी, क्योंकि अरेंज मैरिज जो होता है ना, तब तुम्हारे पेरेंट्स फ्रंट फुट पे रहते हैं बिकॉज दे डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू. बट व्हेन इट कम्स टू लव मैरिज में प्लानिंग से लेके कम्युनिकेशन से लेके कम्युनिकेशन, एज आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कम्युनिकेशन मतलब इस फैमिली को अगर इस फैमिली तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, सो दैट इज अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ यू नो गेटिंग टू नो ईच अदर राइट एज पेरेंट्स ऑल्सो.
सो यू हैव टू बी द मीडिएटर फॉर एवरीथिंग. तो वो फिर बहुत किचकिच होता है बिकॉज यू नो यू आर डूइंग लिटरली एवरीथिंग, लाइट्स, म्यूजिक, ये वो सब कुछ. और क्योंकि हमने वेडिंग प्लानर ये ऐसे कुछ हायर नहीं किया था, वी वर डूइंग एवरीथिंग ऑन आर ओन. लाइक द एंगेजमेंट वॉज ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, बट ऑल्सो लाइक I couldn't enjoy my engagement. You understand? Because what happens is I'm getting ready, but light wala ka call aa raha hai, decorator ka call aa raha hai, anchor ka call aa raha hai. Like you know the process that you enjoy, that didn't happen. So जब हमारा एंगेजमेंट हुआ था वी न्यू थिंग्स वी हैड टू टेक केयर ऑफ. सो फिर एंगेजमेंट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस कि चलो ये मिस्टेक्स हमें शादी में नहीं करने हैं. एंड आई थिंक एंगेजमेंट के टाइम आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज लाफिंग एक्स्ट्रा. राइट, या अब फोटोज भी हम अटैच कर ही देंगे कि पूरे एंगेजमेंट में ये सिर्फ हंसी है. हंसी वो आउट ऑफ नर्वसनेस था या आई वाज एंजॉयिंग ऑफ कोर्स, बट लाइक it was too overwhelming. तो मैं जब बहुत overwhelmed होते मैं बहुत हंसती हूँ. So yeah, but yeah, it was a beautiful memory. And also on the engagement day, actually हम दोनों का जो relationship था वो बहुत private था, तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं, ज़्यादा मतलब handful of people knew it. तो on the engagement day, it was like कि अभी सबको पता चलने वाला है. और फिर of course engagement में we had a lot of dances also. बहुत सारे लोगों ने मस्त हमारे families में dances भी किए थे. सब इतने excited थे. हमारे engagement में 15-16 dances ही थे. In 150 people, imagine इतने dances थे. उसके बाद लोग ऐसे जो guests आए थे, they were like भूख लगी है. उनको खुद ही बहुत चीजें करने का मन कर रहा है. it was the first wedding in the family, दोनों के बहुत टाइम के बाद. तो that's why everyone was so excited and everything. Also, not to forget, तन्वी ने एक सरप्राइज डांस किया था मेरे लिए. ऐसा उसने कहा था, मैं तो शॉक था. लाइक यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो, उसमें मैं ऐसे देख रहा हूँ उसका डांस फर्स्टली, एंड शी इज जस्ट नाच रही है पूरा सब ब्लैक. मेरा ड्रीम था कि यू नो लाइक सो राबता मेरे लिए जब वैसे वो रिलीज हुआ था ना म्यूजिक, आई थिंक आई वाज इन स्कूल दैट टाइम. That's the only song till date जो मेरे ऐसे दिल को छूता. और मैंने ना बहुत पहले डिसाइड कर लिया था जब मेरी एंगेजमेंट शादी जो भी हुई, this is the music I'm gonna make an entry on this song only. And she made sure. आप फोटो और वीडियो देख सकते हो कि हम लोग जब एंट्री करे थे, वॉक जो फर्स्ट वॉक रहता है टिल द स्टेज, इट वाज तन्वी, मी एंड हम दोनों के मॉम्स, वी वर वॉकिंग ऑन द राबता म्यूजिक. तो डीजे ने पहले कुछ गलत गाना बजा दिया था, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो राबता चाहिए. तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला उसको गाना चेंज करने बोल, राबता प्ले हुआ नहीं, आई वाज स्पीट. एंड देन वी मेड द एंट्री एंड then of course that same song I performed a dance for him also. Go!